रेसिपीज का खजाना एंड व्लॉग में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अंडे का मगज, या आप इसे अंडे का भेजा भी कह सकते हैं, इसकी रेसिपी। तो आइए देख लेते हैं हमें ये बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मैंने 6 अंडे ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने ऑलरेडी पीस लिए हैं, 1 कढ़ाई मैंने चढ़ा लिए हैं, गैस की फ्लेम को ऑन कर ले। ये मैं 50 ग्राम के लगभग रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो आप मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे मैं थोड़े से हल्के से इसको चला लूँगी तेल में, इसकी स्मेल चली जाएगी, लहसुन की स्मेल चली जाएगी। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। अब इसमें मैं पिसा हुआ प्याज डाल रही हूँ, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालें, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच से भी कम ब्लैक पेपर पाउडर, इसे काली मिर्च भी कहते हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, आप जितना नमक खाना पसंद करते हैं उसके मुताबिक आप नमक डाल सकते हैं। इन सारे मसालों को अच्छे से भून लें। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना, याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। जितने मैंने 2 प्याज लिए उसी हिसाब से मैंने मसाले डाले हैं। आप प्याज जितना लें उस हिसाब से अपने मसाला डालें। थोड़े थोड़ी देर में इसे पानी दे देकर अच्छे से भून लेना है मसालों को। बस इसी तरह से चलाते रहना है और भूनते रहना मसालों को। चलाते रहें, अगर नहीं चलाइएगा तो साइड में वो जल जाएगा मसाला। थोड़े थोड़े देर में पानी देते रहें और मसालों को भूनते रहें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे आप लोगों को तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो शेयर करें। आप घर पर खुद बनाएं और बताएं मुझे कमेंट में कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अब मैं 1/2 कप पानी इसमें डाल रही हूँ। अंडा डालने के लिए हमें थोड़े मसाले में पानी रखना पड़ेगा। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसमें पानी भी, थोड़े मसाले में मैंने थोड़े पानी भी रखे हैं। अब मैं इसमें एक एक करके अंडा तोड़ दूंगी मसालों में, साइड बाय साइड अंडों को तोड़ते जाऊंगी। गैस के फ्लेम को मैंने स्लो रखा है।
सारे अंडे मैंने तोड़ लिए हैं। अभी इसमें चम्मच नहीं लगाना है, इसे हल्के हाथ से मुझे पूरे कढ़ाई को हिलाना है। अभी हल्के हल्के हाथ से इसे चलाते रहें, गैस के फ्लेम को स्लो पे ही रखना है। तेज रखने से अंडा जल जाएगा पेंदे से। अब इसे हल्के हल्के हाथों से पीछे की तरफ, एक एक अंडे को पीछे की तरफ अलग अलग से टान लेना है। इससे हमारा अंडे पेंदे में नहीं सटेगा। अंडा हमारा अच्छे से पक गया है, इसे हिलाकर चेक कर लें। देखिए अंडा हमारा पक गया है। अब इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ से घस करके अच्छे से फैला कर डाल दें। कसूरी मेथी डालने से अंडे के मगज का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे भी डालकर 1 से 2 मिनट के लिए पका लें मीडियम फ्लेम पे। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। अंडे का मगज हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन को दबा लें मेरी नई नई वीडियो के अपडेट के लिए। अपने दोस्तों तक मेरी रेसिपी को शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।